नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेघा के स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत इस गुलबाज के फूल के साथ जो इस मौसम में अभी फ़िलहाल मेरे पास अभी अभी खिला है, फर्स्ट ब्लूमिंग है। और दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा फ्लावर्स है, कलर भी इसका एकदम डार्क सा, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और इन हरे हरे पौधों के बीच में सिर्फ अभी फ़िलहाल ये इकलौता फूल खिला हुआ है, क्योंकि अभी शाम का वक्त है दोस्तों, और फूल खिलने का टाइम सुबह का होता है, और शाम तक लगभग बहुत सारे फूल मुरझा ही जाते हैं। सिर्फ अभी ये गोरा चोरी के ज़रूर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अभी अभी हमारे यहाँ बारिश हुई है, और बारिश में सभी पौधे अच्छे से नहा लिए हैं और बड़े फ्रेश और खुश नज़र आ रहे हैं, तो मुझे भी इनको देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए दोस्तों, मौसम भी बड़ा सुहाना है और सभी पौधे लहला रहे थे, तो सोचा थोड़े मैं भी गार्डन का काम कर लूँ। वैसे हो तो शाम होने वाली है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर में जितना काम हो सके कर लेती हूँ। और देखिए दोस्तों, सभी पौधे बड़े ही मस्त खुश और नज़र आ रहे हैं। और मुझे अभी थोड़ी एक बारिश की ज़रूरत भी थी, क्योंकि मैंने कुछ कटिंग्स वगैरह लगाई है यहाँ पर, ये बड़े पौधों की छांव में मैंने रख रखा है, तो अभी बारिश के पानी से अच्छे से ग्रो हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, ये पारिजात का पौधा है जिसमें ढेरों कलियाँ आ रही हैं। जब इसमें फ्लावरिंग शुरू होगी तो मैं आपके साथ इसकी वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों, मैं आज लाइव स्ट्रीम कर रही थी तो अचानक से बारिश आ गई, और मुझे वो बीच में ही बंद करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगा मेरा वीडियो बनाना ही सही है, क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम तो हो नहीं हो पाती है, तो दोस्तों से कैसे कैसे तो मिलना जुलना होता रहे। तो देखिए दोस्तों, ये मैं कुछ कटिंग्स वगैरह लगा रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। दोस्तों, ये गुलदावरी की कटिंग जो मेरे पास मदर प्लांट है, मतलब जो पुराना प्लांट होता है दोस्तों, उससे मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि जो पुराना प्लांट होता है दोस्तों, उसमें फ्लावरिंग बहुत ही मुश्किल से होती है, क्योंकि पुराना हो चुका होता है। उसमें से जो फ्रेश कटिंग्स होती है उनको हम वापस से लगा देंगे, तो बहुत सारे प्लांट हमारे पास तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास येलो कलर में, वाइट और पिंक कलर, तीनों कलर में मेरे पास है डार्क पिंक। तो अभी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये कौन से कलर की है, लेकिन जब इसमें फ्लावरिंग आएगी तो बहुत ही सुंदर ब्लूमिंग होती है दोस्तों। और थोड़ी तैयारी हमें जो ठंड के पौधे हैं उनकी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कटिंग्स वगैरह अभी से हम लगाएंगे तभी ठंड आते आते इनमें ब्लूमिंग शुरू होगी। तो दोस्तों, अभी बेस्ट टाइम है, और वैसे भी अभी तो सभी जो कटिंग्स बीज है सभी लगा लेने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये छोटा सा मेरे पास जार है, और इसमें सादी सी मिट्टी है। इसमें दोस्तों, मैंने अब की बार थोड़ा कुछ अलग किया है। इस मिट्टी में मैंने दोस्तों, वो जो ईंट वगैरह आती है, ईंट की ट्रालियाँ वगैरह आती है, उसके नीचे जो ईंटों का चूरा बच जाता है रेड रेड कलर का, वो मिक्स किया है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा रेड रेड कलर नज़र आ रहा होगा आपको दोस्तों। वो उसमें थोड़ा सा दर्दरापन होता है, तो उससे क्या होता है, उसमें थोड़ी क्या बोल सकते हैं, उसमें रेत वगैरह मिली रहती है या मोटी मिट्टी रहती है, जिससे क्या होता है कि पानी आसानी से निकल जाता है। और मेरे पास कोकोपीट नहीं होने की वजह से मुझे बहुत जुगाड़ करने पड़ते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है, फिर जब भी मिलेगा मैं कोकोपीट में ही ग्रो करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये कटिंग मैंने ली है, और ये देखिए बहुत ही हेल्दी कटिंग है, क्योंकि दोस्तों जब हेल्दी कटिंग होगी तो वो अच्छे से ग्रो भी हो जाती है। तो हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे, और इसकी जो पत्तियाँ हैं नीचे की हमें सारी हटानी है। ये बिल्कुल भी मिट्टी के संपर्क में नहीं आनी चाहिए, इतनी इतनी पत्तियाँ हमने हटा दी है। और देखिए दोस्तों, यहाँ से नई ब्रांच निकलेगी, तो ये सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। और ये देखिए दोस्तों, मैं आपको पास से दिखाते जाती हूँ, इस तरह से कटिंग को मैंने लगा दिया। मैंने इसमें न ही कोई रूट, जो रूट फॉर्म लगाते हैं रूट को ग्रो करने के लिए, जड़ों को आने के लिए, और न ही एलोवेरा, और न ही शहद, और न ही कोई सा भी कुछ भी, ना ऑर्गेनिक ना केमिकली कोई सा भी मैंने कोई सी भी चीज़ यूज नहीं की है, ना ही फंजिसाइड लगाया, क्योंकि दोस्तों ये गुलदावरी
बड़ी आसानी से वो ग्रो हो जाता है। और दोस्तों इसमें फंगस सिर्फ मिली बग जो होता है या काले मच्छर जो होते हैं वो लगते हैं, तो हम उसको वाटर से भी रिमूव कर सकते हैं या फिर हम नीम ऑयल या इनसे भी रिमूव कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, सारी मैंने जो कटिंग ली है सारी हेल्दी कटिंग है। ये देखिए, कम से कम इतनी लंबी कटिंग तो होनी ही चाहिए जिससे कि जो ये तना रहता है वो इतना मोटा तो होना ही चाहिए जो आसानी से इसमें रूट्स बन सके। और ये देखिए दोस्तों, थोड़ी थोड़ी गैपिंग में मैंने ये सारे कटिंग्स लगा देने हैं और ये आसानी से अंदर जा रही है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। और दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने जो अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम पहले कुछ कटिंग ग्रो की थी, ये देखिए दोस्तों, ये इसमें ये रूट्स भी बन गई है, तो मुझे इनको ट्रांसप्लांट करना था। छोटे छोटे में मैं कर रही हूँ, तो ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी इसमें रूट्स बन गई है। ये छोटी छोटी सी कटिंग है, आप देख सकते हैं कितनी छोटी कटिंग है। और ये देखिए दोस्तों, वैसे ही मैंने जब मैं कुछ भी करती रहती हूँ और मेरे हाथ में कुछ आ जाता है तो मैं उसी टाइम इसको ग्रो कर देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे दो तीन प्लांट इसमें और थोड़े बहुत प्लांट और मेरे दूसरे में लगे हुए हैं, तो वो भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने और भी कटिंग कुछ ग्रो की है। और दोस्तों ये जो आप चाहें तो, अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप ऐसे छोटे छोटे ग्लास ले सकते हैं और अच्छा सा ड्रेनेज बना दीजिए। देखिए दोस्तों कितना बड़ा ड्रेनेज बना हुआ है, इसके सारा पानी आराम से निकल जाता है। तो हम इसमें भी कटिंग्स लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कटिंग्स भी बहुत अच्छी है, एकदम हेल्दी सी। तो ये देखिए, तो ऐसे लगाते जाइए और हम एक पौधे से कई पौधे तैयार कर सकते हैं गुलदावरी के। मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, और भी बहुत सारी कटिंग्स मेरे पास लगी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने ये कटिंग लगाई थी और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी हो गई है। ये देखिए दोस्तों, इस छोटी छोटी मैंने ट्रे ले रखी है, उसमें ही मैं अपने बीज वगैरह भी इसी में ग्रो करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें मेक्सिकन पिटोनिया के बीज यहाँ से गिर गए होंगे। ये मेरे पौधा लगा हुआ है तो इसमें बहुत सारे बीज उग गए हैं। और ये देखिए दोस्तों, हजारी हजारी बहुत ही जल्दी चल जाती है दोस्तों, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। और भी है जो मैंने ग्रो की है। तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों।